सीक्वेंट कैसा दिख रहा है? देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रही है अभी, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसमें एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रही है, तो ट्रायंगल के बीच में ही ये क्या कर रहा है, ट्रेड करा रहा है, एक रेंज में ही रुका हुआ है। तो ऊपर की जो रेंज है इसकी वो 114 के आसपास है, 114 के ऊपर जाएगा तो फिर ये टारगेट जो अपना नेक्स्ट टारगेट इसका 124 के आसपास हो सकता है। तो फिलहाल मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज करके चेक करूं यहाँ पे, तो मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ ये देखिएगा, तो मुझे फिलहाल तो लग रहा है कि ये सीधा सीधा अगर ये जाता है 114 के ऊपर तो इसमें बड़ी तेजी दिखाई दे सकती है। और लॉन्ग टर्म का चार्ट देख रहा हूँ, वीकली चार्ट, तो 114 के ऊपर एक अच्छा स्टॉक रहेगा, अब इसे बाइंग करके चल सकते हैं। और अगर मैं बिल्कुल ही इसका अवर्ली का चार्ट देखूं तो अवर्ली के चार्ट पे ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, तो 114 इसका एक बहुत ही क्रूशियल लेवल हो सकता है, उसके ब्रेकआउट के बाद आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो एक स्टॉक सर ने बता दिया है अपने पोर्टफोलियो के लिए, अगर आपको भी कोई स्टॉक अभी अपने पोर्टफोलियो के लिए चाहिए तो सर ने काफी अच्छी सजेशन दे दी है।